ये वाला सीन आएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई मैं हूँ अभी बद्रीनाथ में और अभी हो चुके हैं सुबह के 11:30 बज चुके हैं। तो मैं यहाँ से जाने की सोच रहा हूँ अब ऋषिकेश। तो एक दिन में तो पहुँचा नहीं जाएगा ऋषिकेश भाई, एक्चुअली हिचाइकिंग करते हुए जाना। तो देखता हूँ कितने देर में क्या पहुँचना है, सारी चीज़ें आपको अपडेट देते रहूँगा। और इस ब्लॉग को पूरा देखना, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कब तक ऋषिकेश पहुँचूँगा सारी अपडेट आप तक। मैं बद्रीनाथ से शॉर्ट वाले रास्ते पे निकल गया हूँ, ये शॉर्ट पड़ता है इधर पे मतलब नीचे के लिए। तो यहाँ से जा रहा हूँ, थोड़ा पत्थर वाला एरिया है, ढलान वाला, पाँव में भी छाले हो रखे भाई, दर्द हो रहा चल चल के। गाइस ये झरना देखो आप, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पूरा ऊपर से स्टार्ट हो रहा, सीधे 3-4 किलोमीटर ऊपर से स्टार्ट हो रहा, वहीं से सीधा पहले नीचे आता है, फिर वहीं से दूसरी वाली थोड़ा दूसरी पहाड़ी लग जाती है उस पे आ जाता है। और देखो कहाँ आ रहा है, बिल्कुल नीचे अलकनंदा नदी में, ये जो सिमट के नीचे है भाई, ये देखो कितना ऊंचा है। देख रहे हो ना आप कितना कैंट लग रहा है। एक दूसरा भी है बट हाँ दूसरा भी ऐसी है जो उसके बगल में, ये देखो सुगाई जी है भाई जोशी मठ, देख सकते हैं आप, यहीं पे पड़ी थी ना भैया वो दरारे टाइप की, अब तो गवर्नमेंट यहाँ पे नीचे वाले रास्ते से नहीं आया ना, उधर दरारे ज्यादा दिख रही है। अच्छा वो रास्ता बंद कर रखा है, वन वे है, उधर से गाड़ी जा सकते हैं, इधर से आने आने। अच्छा अच्छा वन वे है ये भी, और वो भी है ना, इधर से गाड़ी आ नहीं गई ना, अभी यहाँ से नीचे डाल देना। बीच में तो बहुत आ रही थी इसकी न्यूज की भाई, इधर आ रहे हो बहुत ज्यादा दिखेगी वैसे, इधर आ रहे पर कई लोगों ने रिपेयर करा दिए ना, गवर्नमेंट भी करवा रही काम है। ये मेन वो है ना मार्केट है, तो इसमें खराब नहीं रख सकते। अच्छा यही है जोशीमठ का मेन मार्केट, अच्छा देखो भाई यात्रियों की गाड़ी फुल चल रही। ये हमारे ब्रदर है भाई पौड़ी से, कोटद्वार से इन्होंने मेरे को लिफ्ट दी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई मैं हूँ अभी कोटद्वार में, और कोटद्वार में मैं कल का आ चुका हूँ, यानी मैं बद्रीनाथ से एक भाई के साथ आया था, जो मतलब मैंने उनकी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी, तो वो वीडियो भी मैं डाल दूंगा। मैं बद्रीनाथ से आया उनके साथ, बद्रीनाथ से 1-2 किलोमीटर नीचे तक मैं पैदल आ गया था, वहाँ पे वो मेरे को मिल गए थे। भाई पौड़ी से हैं, यानी बोले तो कोटद्वार है उनका प्रॉपर घर, तो वहाँ से मैं उनके साथ आया। और उसके बाद मतलब हम वहीं से चले, तो रात बीच रास्ते में थोड़ा टायर भी पंचर हो गया था, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया हमें, और 1 बजे रात को पहुँचा मैं कोटद्वार। तो भाई के साथ ही, भाई के घर पर ही आ रखा हूँ कल से, और कल से इधर ही रह रहा हूँ भाई के घर पर। बाकी अभी भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत फेमस है गढ़वाल में, मैंने आज तक ना मैंने खाया था, और मेरे को पता था नाम मैंने सुना हुआ था, बट मेरे को ये नहीं पता था कि इसको मतलब इसका नाम क्या है। तो मैंने भैया से पूछा अभी, बाकी भैया से भी मिलवाता हूँ आपको किन के घर पे हूँ मैं और कहाँ पे हूँ मैं। तो आपको पहले मैं ये चीज़ दिखाता हूँ, इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सुगाई जी ये है भाई काफल, आपने नाम सुना होगा, गीत भी लगा हुआ है एक उत्तराखंडी गीत, बेड़ू पाक को बारहमासा इस तरीके से गीत है, उसमें काफल का भी मतलब नाम आता है। तो यही है भाई काफल, एक्चुअली मेरे को ये खाने भी नहीं आ रहे थे, तो मैं ऐसे खा रहा था इनको अलग से, देखो मैं इनका वो निकाल के मतलब, और इसको मैं इसमें वो होता है थोड़ा हार्ड होता है, इसको मैं अलग कर देता था, बट भाई ने मेरे को बताया कि इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इसको पूरा भी, इसका पूरा दाना लेके इसको एक एक करके पूरा भी खा सकते हैं, मतलब कुछ नहीं होता, उसको घूट भी सकते हैं मतलब। बाकी ये भाई पकौड़ी वगैरह लाए थे, वैसे मैंने सुबह मतलब ब्रेकफास्ट कर लिया, तो ये दिन का खाना है। बाकी ये मेरे कपड़े कुपड़े ऐसे ही फैले हुए हैं भाई, क्योंकि मतलब अभी मैंने जो मेरे कपड़े जो हैं वो सारे धुले हुए हैं, बट इसमें
जो मतलब जैसे बैग भी गए, स्लीपिंग बैग वगैरह वो रखा है मैंने। ये रूम है भाई, यहाँ पे रह रहा हूँ भाई के घर पे कल से। बाकी इधर पे दिखाता हूँ आपको, ये सारे भाई कपड़े कुपड़े धुल रखे। और ये कोटद्वार में पड़ता है भाई का घर, ये मतलब प्रॉपर कोटद्वार में है। अब यहाँ का प्रॉपर नाम कोटद्वार ही है, इधर का पता नहीं अलग से कुछ मोहल्ले का नाम होगा, वो बात अलग है। ये कपड़े कुपड़े धुल रखे भाई, देखते हैं जब सूखेंगे उसके बाद ही चलूँगा। अब यहाँ से मैंने कुमाऊँ की तरफ जाना है क्योंकि गढ़वाल मेरा अभी फ़िलहाल हो गया। बाकी आपको भाई से मिलाता हूँ जिसके साथ मैं कल से रह रहा हूँ। सो गाइस, जिनकी मैं बात कर रहा था ये है मेरे ब्रदर, मतलब जिनके साथ मैं आया हूँ और जिनके घर पे रह रहा हूँ कल से मैं। इन्होंने ही मेरे को बद्रीनाथ से लेके आए हैं, समथिंग 300 किलोमीटर। अब कोटद्वार में हूँ आज, इनके घर पे ही रह रहा हूँ कल से। बाकी यहाँ से मैंने अब निकलना है, कुमाऊँ की साइड जाना है अब। तो देखते हैं जब मेरे कपड़े कुपड़े सूखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स बताते रहूँगा। बाकी वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइज, ये है भाई कोटद्वार, जो आपको मेरे पीछे ये पूरा शहर दिख रहा होगा। एक्चुअली मैं थोड़ा बैक एंड एरिया में हूँ, भाई का जो घर है थोड़ा मतलब बैक एंड एरिया में है। जो मतलब यहाँ का मेन जो कोटद्वार का है प्रॉपर, वो है जैसे झंडा चौक हो गया और आपका तीलू रौतेली चौक हो गया, उधर पे पूरा प्रॉपर है। बट एक्चुअली क्या है, कोटद्वार काफ़ी बड़ा बन चुका है भाई अब तो। अभी एक्चुअली यहाँ पे पूरी हीट है भाई, पूरा गर्मी है। मैं चार धाम करके जब आया तो वहाँ पे पूरी सर्दी थी, पूरा ठंड था। मेरा फेस भी आप देख सकते हैं पूरा फट चुका है भाई, यानी मतलब ठंड की वजह से पूरा फेस में अभी मतलब वैसलीन लगा रखी मैंने। क्योंकि वहाँ पे हमारा जो गांव है वो भी भाई ठीक ठाक हीट पे पड़ता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं होती है, वहाँ पे भी ठीक ठाक गर्मी रहती है। तो हमें मुझे उतने ठंड झेलने की क्षमता मेरे अंदर नहीं थी, मेरे को खांसी जुकाम भी पूरा हुआ और फेस भी भाई पूरा मतलब फट चुका है अभी। तो अभी मैं हूँ यहाँ पे कोटद्वार में। बाकी आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे पूरा कोटद्वार शहर है भाई। यहाँ से आपको शायद से मैं प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा बैक एंड एरिया है, 2-3 किलोमीटर ये थोड़ा बैक पड़ता है। जो प्रॉपर कोटद्वार जैसे झंडा चौक और तीलू रौतेली चौक, उधर पे पूरा प्रॉपर भीड़ रहती है। अभी जा रहा हूँ भाई भाई के साथ कोटद्वार में। ये कोटद्वार मार्केट है जहाँ पे जा रहे हैं भाई जी हमारे बड़े। टायर लेके जा रहे हैं भाई की गाड़ी का। यहाँ पे करवाना भाई, भाई ने काम अपने टायर का। भाई जब टायर खराब होता है तो पेट्रोल डाल रहे हैं, देखना आप कैसे लगेगी आग। ये देखो भाई ये वाला सीन आएगा। ओ तेरी, ओ भाई
भाई टायर पूरा क्लियर हो गया, सही हो गया पूरा। भाई लोगों ने किया पूरा आग वो लगा के बिल्कुल सही। ये हो रहा भाई प्रिंटिंग, देखो ये कोई सत्ता के लिए इसको छपवा रहा है, यानी मतलब भागवत कथा है। इधर पे हम आए थे अपना छपवाने, मेरा भी छपेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो ऐसे होती है प्रिंटिंग मशीन। कोई बात नहीं, रुक गया तो आप चला दोगे मास्टर जी यहाँ पे। भाई भैया इतना अच्छा दो आ रहे ने। मैंने बोला यार चौड़ा। एक बनाओ चाहे दो बनाओ, सही बात है। ऑल इंडिया ट्रेवल भारत यात्रा सब्सक्राइब रॉबिन रावत ब्लॉग्स। सो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए जय हिंद।